हाय गाइस, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू मॉक्स ऑन एमबीए प्रिपरेशन। सो गाइस, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए सीईटी 2023 एग्जाम। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेटेस्ट अपडेट ऑन एमबीए सीईटी एग्जाम बाय सीईटी सेल। सो गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोज बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, हम लोग का एमबीए सीईटी का फेसबुक ग्रुप है, डेडिकेटेड फेसबुक ग्रुप है। इसको आप जरूर ज्वाइन करो। आप चाहो तो फेसबुक सर्च कर सकते हो, आपका ये टाइटल है इसका। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई कैन ऑल्सो शेयर द लिंक ऑन द कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, वहां से आप ले सकते हो। यहाँ पे हम लोग डेली क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कम से कम 500 क्वेश्चन पोस्ट करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशंस, क्विज बेस्ड सेशंस ऑन दिस ग्रुप। ठीक है, सो गाइस चलो देख लेते हैं। गाइस, तो नोटिफिकेशन क्या हुआ है। सो गाइस, ये सर्कुलर 25 जनवरी को रिलीज हुआ है सीईटी सेल की वेबसाइट में। तो एमबीएस जो सीईटी सेल है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, सीईटी सेल इज इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल एकेडमिशियंस वर्किंग रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर क्रिएटिंग क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू चॉइस इन इंग्लिश टू बी अपॉइंटेड एज आइटम राइटर पेपर सेटर। ठीक है, मैं जिस गैस किया है कि ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, बड़ा अजीब लग रहा है देख के कि ये लोग अब ढूंढ रहे हैं एकेडमिशियंस को कि आपका पेपर बनाया जाए और सारे एक सीईटी एग्जाम्स के लिए नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे एमबीए सीईटी भी है। तो गैस, ये लोग कुछ प्रोफेसर एकेडमिशियंस को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस नॉलेजेबल, जो लोग सारे सीईटीस का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक बनाएंगे एज पर द सिलेबस। मुझे काफी डाउट लग रहा है कि ऐसा कैसे अब हो रहा है। 18 मार्च को एग्जाम है आपका। और दूसरी बात, यहाँ पे लिखा गया है कि जब नोटिफिकेशन गया है उसके 15 दिन में एप्लीकेशन सबमिट करनी है इन लोगों को। तो 15 दिन बाद डिसाइड होगा कौन करेगा। मतलब ये मान लो कि 10 फेब तक, और 18 को एग्जाम है आपका। तो मुझे तो काफी डाउट लग रहा है कि कैसे 18 मार्च को आपका एग्जाम हो। तो गैस, मैं तो आपको ये बोल सकता हूँ 99% चांस है कि 18 मार्च को एग्जाम शायद नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म तक नहीं आया है, 12 दिन सबके नहीं है। बिकॉज कभी कभार क्या ऐसा होता है, कुछ चीजें बस फॉर मतलब कुछ चीजें फॉर्मल उस पर दिखानी होती है। एक्चुअली में सब सेट रहता है कि कौन कराने वाला सीन, मुझे ऐसा लग रहा है। बट स्टिल फॉर्म भी नहीं आया अभी, तो मैं बोल सकता हूँ कि 18 मार्च को तो हाईली अनलाइकली है, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है टेंटेटिव डेट 18 मार्च। 18 मार्च को एग्जाम अगर होता तो अब तक फॉर्म आ जाता, क्योंकि अगर आप कोविड के पहले के 3-4 साल का देखो तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा लेट अगर हुआ 21 जनवरी तक फॉर्म आ गया है। ठीक है, और फॉर्म अभी आया नहीं है सीईटी का। ठीक है, तो डाउट लग रहा है कि 18 मार्च को एग्जाम होगा, और फिर दोबारा ये चीज आ गई है। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन बैंक बनने वाला है। अगर एक्चुअली में ये चीज हो रही है तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। मुझे लगता है कि अप्रैल या मई में जा सकता है सीईटी। ठीक है, बट अभी जब तक कुछ नहीं बताया जा रहा है, 18 मार्च मान के चलो। सो गाइस, ये नोटिफिकेशन देना जरूरी था आप लोगों को, आपको आइडिया लगता रहे। गाइज, आप लोग अपने आप को वर्स्ट केस में प्रिपेयर करो। आपको नहीं पता पैटर्न क्या आने वाला है, बट चांसेस काफी है कि जंबल पेपर ही आएगा, मेरिट ट्रैक ही कराएगा। ठीक है, बट स्टिल अगर आप सारी वैरायटी करके जाते हो तो चाहे कोई पेपर कराए गाइज, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सारी वैरायटी करके नहीं जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आईबीपीएस था तब आप अर्थमेटिक और डीए पढ़ के जाते, अब आपको सब कुछ पढ़ के जाना है गाइज, एलजेब्रा, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ पढ़ के जाना है अच्छे से, आप ये समझ लो। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है काफी आपके लिए, से आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ क्या स्टेज चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी हैव लॉन्च द फ्री एमबीए सीईटी मॉक एज पर द लेटेस्ट लास्ट ईयर पैटर्न। जंबल पैटर्न पे सारे मॉक्स हैं सब लोग, ये फ्री सीईटी मॉक देखा तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। गैस, हम लोग के पेड मॉक्स 18 फुल लेंथ सीईटी मॉक्स है 899 के, तो काफी इकोनॉमिकल प्राइसिंग रखी है कि एनीवन कैन अफोर्ड। और गैस, एमबीए सीडीओ यही होता है कि आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो पेपर कैसा आ जाए। तो कम से कम 2 या 3 डिफरेंट टेस्ट सीरीज लोगों को तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और काफी अच्छे रिव्यू से लास्ट ईयर के मॉक्स में दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, चाहे कोई भी एग्जाम का मॉक ले लो आप, आपको रिव्यूज अच्छे मिलेंगे ही, बिकॉज सारे क्वेश्चन बिल्कुल रेलिवेंट होते हैं। हम लोग या मैं और मेरी टीम सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट करती है देखने के लिए पेपर कैसा है। लास्ट ईयर मैंने भी सीडी दिया था देखने के लिए। ठीक है, मैं उसका भी एनालिसिस निकालने वाला हूँ, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। ठीक है,
तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी गाइस हम लोग का एमबीए सीटी का सुपर 40 बैच भी है, 3999 का, एक्सट्रीमली डेडिकेटेड कोर्स है। उसमें हमने सारी वैरायटी कवर करी हुई है, हर चैप्टर को काफी डिटेल पढ़ाया गया है, प्लस प्रैक्टिस सेशंस व्हाट्सएप में होंगे, 400 पीवाईक्यूज, सारे नॉटेड एग्जाम्स के 300 मोस्ट वीडियो शॉर्टकट्स, सब कुछ रहेगा। तो पहले वो कॉस्ट थी ज्यादा थी, बट अभी कंप्लीट एमबीए सीटी का जो सुपर 40 बैच है वो 3999 का है, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसिंग है उसकी, विद 18 फुल लेंथ मॉक्स, कोर्स काफी डिटेल्ड। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। फ्री मॉक लियो कैन विजिट mockzone.in/CET। चलो गाइस बाय, कोई इंक्वायरी हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर दें।